स्टूडेंट्स के होपफुली सब बढ़िया हो गए, अच्छे से कर रहे हो गए। तो न्यूटन्स लॉ का एक और टॉपिक लेके आया हूं मैं, अपेरेंट वेट ऑफ पर्सन इन अ लिफ्ट। देखिए, पहले तो कॉन्सेप्ट समझते हैं वेइंग मशीन का। मान लीजिए ये आपकी वेइंग मशीन है, ऐसी होती है, ऐसी नहीं, ऐसी कोई वेइंग मशीन है जिसमें यहां आपका निडल लगा है। तो जब आप यहां पर कोई आदमी स्टैंड करता है, मान लो इस वेइंग मशीन के ऊपर कोई बंदा एक स्टैंड करता है, तो जो इसका वेट होता है mg, वो कहां पे लगता है? नीचे। और उसके रिएक्शन के रूप में, उसके रिएक्शन के लिए ये जो आपका मशीन है वो क्या लगाता है उसके ऊपर? एक मान लो सपोज करो एक नॉर्मल रिएक्शन क्या लगाता है? आर लगाता है। तो आप जो यहां पर रिकॉर्डेड वैल्यू देखते हैं ना, जो यहां पर जो इसका मीटर वैल्यू शो करता है, वो किसकी वैल्यू शो करता है? आर की। एकदम क्लियर रखिएगा माइंड में कि जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होते हो, सपोज करो जैसे कि आपकी वेइंग मशीन है, इसके ऊपर आप खड़े हो गए, तो आपका जो ये आप खड़े हो, ये वेइंग मशीन है, तो आपका मास और नीचे से फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो जो mg होगा आप किस पे लगाओगे? वेइंग मशीन पे। और इसके रिएक्शन के लिए वेइंग मशीन आपके ऊपर क्या लगाएगा? एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। एक क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो जो वेइंग मशीन का जो स्केल शो करता है वो क्या शो करता है? जो वेइंग मशीन है, जो उसके ऊपर जो स्केल शो रहता है, वो क्या शो करता है? आपका नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है उसको शो करता है। तो देखिए, इन कंडीशंस में मान लो कि आप एक एलिवेटर में हो, एलिवेटर बोल दो या फिर लिफ्ट बोल दो। तो जब आप लिफ्ट के अंदर हो, सपोज करो ये आपकी एक लिफ्ट है, ठीक है, और इसके अंदर आप खड़े हो, किसके ऊपर? एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हो। तो आपका जो वेट होगा वो mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ। और जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ये वेइंग मशीन आपके ऊपर, वो कहां लगाएगा? r, ऊपर की तरफ। मान लो कि ये जो लिफ्ट है वो रेस्ट पे, लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है? सपोज करो जीरो, ठीक है, लिफ्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लिफ्ट कहां पर है आपकी? रेस्ट पे रखी हुई है। उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा? आइदर आप लिख लो r माइनस mg, या फिर आप लिख लो mg माइनस r। ये दोनों ही किसके बराबर हो जा रहे हैं? जीरो के बराबर हो जा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल नेट मूवमेंट किसी डायरेक्शन में हो नहीं रही है इसकी। ना तो ये नीचे मूव कर रहा है, ना ही ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ओवरऑल नेट मूवमेंट कितनी है इस एलिवेटर या लिफ्ट की? जीरो। तो r माइनस mg इक्वल्स टू जीरो लिख लो, या r mg माइनस r इक्वल्स टू जीरो लिख लो, दोनों ही केसेस में आपको क्या दिखेगा? mg equals to क्या आ जाएगा? r। जहां पे mg क्या है, जहां पे ये mg क्या है, ये mg है आपका रियल वेट। कौन सा है? ये है आपका रियल वेट। और ये r क्या है आपका? ये जो r लिखा हुआ है ये क्या है आपका? अपेरेंट वेट। क्या है r? जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट। तो देखो, जब लिफ्ट एट रेस्ट हो, पहला कंडीशन देखते हैं, जब लिफ्ट is at rest, when lift is at rest, तो real weight is equivalent to क्या आ जाएगा? apparent weight। real weight किसके बराबर हो जाएगा? apparent weight के बराबर। अब देखिए, एक और condition देखते हैं, second condition इसकी। मान लीजिए कि जो lift है, duster नहीं बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि जो lift है, वो अब move करना चालू करती है। मान लीजिए कि lift जो है, वो move करती है। देखो यही है वो लिफ्ट, इसमें ये बंदा खड़ा है, ये है बंदा खड़ा, इसका वेट कहां? सॉरी, इसका हाँ वेट कहां? नीचे mg। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है हमारा? नॉर्मल रिएक्शन r। और लिफ्ट जो है आइदर ऊपर मूव कर रही है, आइदर नीचे मूव कर सकती है, बट गिवन कंडीशन क्या है? दैट इट कांस्टेंट वेलोसिटी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट मूव कर रही है आइदर अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स, बट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखो, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? मान लेते हैं, वो वाला कंडीशन लेते हैं, जब लिफ्ट कहां मूव कर रही है? अपवर्ड मूव कर रही है। अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो हमको क्या लिख लेना चाहिए? आर माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए। एम क्या? मास। और ए क्या? जिस एक्सेलरेशन से कौन मूव कर रहा है? लिफ्ट मूव कर रही है। तो आप यहां से देखोगे कि आर माइनस एम जी equals to ma, ma में जो a है, जो a वाला टर्म है, जो acceleration है,
अब लिफ्ट कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और बात करें अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी। उसमें यहाँ एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। और फिर आपको क्या मिलेगा, आर माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो, और आर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही होती, अगर ये लिफ्ट नीचे जा रही होती तो मैं चलो ऐसे लिख देता हूं, एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम। फिर यहां पे क्या होगा, क्योंकि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रही है, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, जीरो। तो एम जी माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिर से क्या आ जाएगा, एम जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर। और एम जी इक्वल्स टू आर आपको क्या शो कर रहा है कि जो आपका रियल वेट है वो किसके बराबर आ जा रहा है, आपके अपेरेंट वेट के बराबर आ जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, with constant velocity, then real weight is equals to क्या हो जाएगा आपका, apparent weight. Then real weight is equals to क्या हो जाएगा आपका, apparent weight. अब चलिए आगे की conditions देखते हैं। अब देखो, मान लो यही लिफ्ट अपवर्ड्स मूव करती है विद एक्सेलरेशन ए, नीचे क्या लग रहा है आपका, mg, ऊपर क्या लग रहा है आपका, r। लिफ्ट ऊपर कर रही है मूव किससे, a से। सब देखो, तो अगर लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तो मैं क्या लिख सकता हूं, r माइनस mg इक्वल्स टू ma, r minus mg equals to ma। तो यहां से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखोगे आप तो ma plus mg। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं m कॉमन निकाल लूं तो कितनी हो जाएगी, a plus g। तो अब आप देखोगे कि जो ये r है, r क्या शो कर रहा था आपका, यही तो r तो रिकॉर्ड करेगा, वेइंग मशीन तो r को रिकॉर्ड करता है। और ये देखो mg के अलावा भी एक चीज क्या ऐड हो जा रही है यहां, ma। mg तो है ही, mg वाला टर्म तो है ही, प्लस क्या आ रहा है इसके साथ, ma। तो ये देख के मैं क्या बोल सकता हूं कि इस केस में जो आपका apparent weight होगा वो greater होगा किससे, real weight से। apparent weight जो होगा वो कैसा होगा, greater होगा आपका real weight से। मतलब अगर एक lift a acceleration के साथ ऊपर जा रही है और उसमें अपना वजन लेंगे तो जो आपका actual weight है उससे ज्यादा weight आपका दिखेगा जब लिफ्ट ऊपर आ रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो क्या होता है। मान लीजिए कि यही लिफ्ट जो है ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रही होती, तो नीचे आपको ऑलरेडी क्या लगता है, एम जी, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, आर। मोशन कहां हो रहा है, नीचे। तो मैं लिख देता हूं एम जी माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, एम ए, ठीक है। तो यहां से देखिए एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, आर। एम जी माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर। देखो समझेंगे, ये जो आर है बच्चे ये किसको डिनोट करता है, अपेरेंट वेट को, और ये एम जी किसको डिनोट करता है, रियल वेट को। तो अब देखो रियल वेट में से एक एम ए का फैक्टर माइनस हो रहा है, तब क्या निकल के आ रहा है, अपेरेंट वेट। इसका मतलब क्या, मैं यहां से देख के ये बोल सकता हूं कि इस केस में जो अपेरेंट वेट होगा वो लेस होगा किससे, रियल वेट से। अगर आप लिफ्ट में हो और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही हो, उस समय आप अपना वेट लेंगे एक वेइंग मशीन पे, तो आपके एक्चुअल वेट से जो वेट होगा आपका वो क्या आएगा, कम आएगा। सब कुछ एग्जांपल बताओ, आप वो जाइंट व्हील वाले झूले में झूले हो, जाइंट व्हील वाला झूला, जब वो व्हील नीचे आता है तो आपको वेटलेसनेस लगती है, ऐसा लगता है कि आपका वजन कम होता जा रहा है।
वो किस लिए होता है कि जब भी कोई चीज नीचे आती है तो उसका जो अपेरेंट वेट होता है वो रियल वेट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर बहुत हाई वेलोसिटी से हाई स्पीड के साथ लिफ्ट नीचे आएगी ना, तो जो आपका ओरिजिनल वेट होगा उससे कम वेट आपको अपना खुद का फील होगा। तो वेटलेसनेस फील होती है जब कोई भी चीज, जब लिफ्ट हो या जाइंट व्हील वाली चीज हो, जब वो नीचे आती है किसी एक्सेलरेशन के साथ। ठीक, अब देखिए एक और इस कंडीशन को भी नोट डाउन कर लेते हैं, इस कंडीशन को भी नोट डाउन कर लो। क्या हो जाएगी आपकी कंडीशन नंबर सी, क्या है, इन केस ऑफ लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए रियल वेट क्या आता है, लेस हो जाता है किससे, अपेरेंट वेट से। मतलब ऊपर जाते समय अपेरेंट वेट ज्यादा होता है, रियल वेट कम होता है। जब डी पॉइंट देखो, इन केस लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ए, तो इस केस में क्या होगा, जो अपेरेंट वेट होगा वो कम होगा किससे, रियल वेट से। जो अपेरेंट वेट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा किससे, रियल वेट से। अब मान लो इसी कंडीशंस में आगे बढ़ते हैं, मान लो यही वो लिफ्ट है, अब ये नीचे आ रही, नीचे की तरफ फोर्स mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन r, और नीचे ये लिफ्ट आ रही थी एक्सेलरेशन a से। सडनली क्या होता है कि जब लिफ्ट a एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते रहता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लिफ्ट जो होता है वो एक रोप से कनेक्टेड होता है, स्टील रोप से कनेक्टेड होता है जिस पे लिफ्ट चलते रहता है। अब मान लो लिफ्ट नीचे आ रहा है, सडनली वो रोप टूट गया, तब क्या होगा, लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे आएगा, किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। किस एक्सेलरेशन के कारण नीचे आएगा, जी एक्सेलरेशन के कारण नीचे आएगा, क्योंकि ये कैसी हो जाती, कंडीशन ऑफ फ्री फॉल है, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर वो लिफ्ट क्या हो रहा है, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भूल जाए तो वो लिफ्ट क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर नीचे गिर रहा है। तो उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी हमारी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, अगर लिफ्ट का वायर ब्रेक हो जाए तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। हमने अभी देखा था कि जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो हम क्या लिखते हैं, mg minus r is equals to ma, मतलब कि क्या हो जाएगा, mg minus ma equals to r, और a की वैल्यू कितनी है, g, मतलब क्या हो जाएगा, mg minus mg equals to r, मतलब 0 equals to क्या आ जाएगा, अगर लिफ्ट का वायर ब्रेक हो जाए और वो नीचे आने लगे विद एक्सेलरेशन ऑफ g, तो उस समय जब आप देखोगे तो आपका अपेरेंट वेट कितना आ जाएगा, 0। अगर आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ और लिफ्ट नीचे आते आते लिफ्ट का वायर ब्रेक हो जाए, उस कंडीशन में जब आप अपना वेट निकालोगे तो आपका वेट आएगा 0। ठीक है, तो इसको, इस केस को भी लिख लो आप, इस केस को भी लिख लो, इफ रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स नहीं, ये कौन सा वाला पी आर ई ए के ब्रेक्स, देन ए विल बी इक्वल्स टू जी, एंड इन दैट केस अपेरेंट वेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, नथिंग बट 0। अब एक और कंडीशन देखते हैं, फाइनल कंडीशन, लास्ट कंडीशन, अगर यही लिफ्ट नीचे आने लगे विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, देखो नीचे कितना लग रहा था एम जी और ऊपर क्या लग रहा था आर, तो अगर नीचे आ रही है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस आर इक्वल्स टू एम ए, मतलब एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर। और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन जी, मतलब कुछ भी हो जाए आर की वैल्यू हर समय कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, आर की वैल्यू कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। इससे क्या मतलब समझते हो कि अगर एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट डाउनवर्ड्स अगर ग्रेटर हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो जो उसके अंदर रखी हुई चीज है वो क्या होगी मालूम है, लिफ्ट के छत पे जाके चिपक जाओगे, तुम जमीन से उठ के कहां टकरा जाओगे, लिफ्ट के छत पे। अगर लिफ्ट ग्रेविटी से ज्यादा स्पीड से नीचे आने लगी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ अगर कोई लिफ्ट नीचे आने लगी तो आप जो होंगे वो फ्लोर से उठ करके कहां जाके चिपक जाएंगे, लिफ्ट की छत पे चिपक जाएंगे, क्योंकि यहां देखिए आर की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को ये पूरे टॉपिक्स जो थे इसके अंदर जितने भी केसेस थे वो क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी नीट या जेईई में अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं ना वो सॉल्व कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।